नमस्कार, आज हम आपसे शेयर करूंगा बहुत ही चटपट और क्रिस्पी खाने वाला, एकदम आप देखते ही आपका मुंह से पानी आने वाला एक रेसिपी शेयर करूंगा, बहुत बढ़िया है। चलिए आज रेसिपी को शुरू करते हैं। इधर देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए इधर देखिए हम बॉयल नूडल का यूज़ किया हूँ। आपको नॉर्मल नूडल जो है बॉयल कर लेना है। बॉयल करने का बाद में आपको इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी आपको डालना है। पानी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अंडा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इधर हम पानी का यूज़ किया हूँ क्योंकि प्योर वेजिटेरियन हमको बनाना है। पानी डालने के बाद आपको अच्छा से इसको मिक्स कर लेना है और ऊपर से आपको कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर को आपको लगातार अच्छा से मिक्स करना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत ही बढ़िया से लगना चाहिए। जब आप फ्राई करेंगे ना, तब कॉर्नफ्लोर आपका नहीं छूटेगा और नूडल जो है बहुत क्रिस्पी बनेगा, एकदम कुरकुरे, एकदम क्रिस्पी बनेगा। इधर देखिए, जो नूडल अच्छा तरीका से मिक्स हो चुका है, उसको कुछ देर तक रख देंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर अच्छा तरीका से बैठ जाने के लिए, जैसे अच्छा से चिपक जाए। अब इधर देखिए, ऑनियन को स्लाइस इस तरह से कट कर लेना है और थोड़ा सा इसमें क्या करना है ना, ग्रीन चिली आपको फाइन चॉप कर लेना है। आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो और भी ग्रीन चिली आप ऐड कर सकते हैं। इधर देखिए, ग्रीन चिली को आपको इस तरह से बारीक कट कर लेना है और इसमें धनिया पत्ता भी इधर कट कर लेंगे और एक लेमन जो है आपको यूज़ करना है इसमें। अब क्या करेंगे ना, इधर देखिए कटिंग पूरा रेडी है मेरा वेजिटेबल्स का। अब इधर कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। अब नूडल को आप जब छोड़े इस तरह थोड़ा मिक्स कर लीजिए और ऑयल जो आपका बराबर गर्म होना चाहिए, इस तरह से गर्म होना चाहिए। ठंडा तल में जब आप छोड़ेंगे ना, ऑयल जब ठंडा होगा तब क्या होगा, आपका कॉर्नफ्लोर छूट जाएगा, अच्छा क्रिस्पी नहीं होगा, नूडल अच्छा फ्राई नहीं होगा, इसलिए आपको गर्म तेल में छोड़ना है। छोड़ के आपको संग संग इसको हिलाना नहीं है, कुछ देर के लिए आपको छोड़ देना है इस तरह से। जैसे थोड़ा चिपक जाए कॉर्नफ्लोर, इसको स्लो स्लो इस तरह से राउंड घुमाना है। अब एक बार घर में ज़रूर बनाएंगे ना, ये खाने के लिए ज़बरदस्त लगता है, एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ। एक बार बना के घर में खाइए, इतना ज़बरदस्त लगेगा, देखते ही आपका मुँह में पानी आएगा इसको खाने के लिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब वन साइड जैसे थोड़ा सा आपका रेड कलर हो जाए, अब क्या करना, दूसरा तरफ आपको घुमा लेना है, सॉरी गोल्डन कलर जैसे हो जाए, आपको दूसरा तरह इस तरह से पलट लेना है। आप देख सक रहे हैं जो क्रिस्पी नूडल बहुत ही बढ़िया फ्राई हुआ, देखिए पूरा खुल चुका है। अब इसको आपको क्या करना है, एक जाली लीजिए, इसमें आपको निकाल लेना है इस तरह से, जैसे ऑयल इसमें नहीं रहना चाहिए, इस तरह से आपको क्रिस्पी नूडल निकाल लेना। अब देखिए बहुत ही बढ़िया हुआ क्रिस्पी फ्राई, पूरा एकदम क्रिस्पी है, एकदम गर्मा गर्म जो स्नैक्स का रेसिपी आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। नूडल्स खा के आप बोरिंग हो गए, ज़रूर एक रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए, सबको अच्छा लगेगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये देखिए नूडल इधर फ्राई हो चुका है। अब इसमें गर्मा गर्म नूडल जो इसमें देखिए इसमें ऐड करेंगे, पूरा जो फ्राई नूडल है इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने का बाद में इसमें क्या, जो आपको सेरेडेड जो पतला प्याज कटा हुआ, इसको ऊपर से ऐड करेंगे। और प्याज जब भी डाले, इसको पूरा अच्छा तरीका से आपको खोल लेना है। आप देख सक रहे होंगे प्याज को ऐसा हाथ में आपको मसल लेना है, इस तरह से खोल लेना है। और ऊपर से डालेंगे आपका धनिया पत्ता, ग्रीन चिली। आप इसमें चाहे तो और भी कुछ वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, कैप्सिकम आप ऐड कर सकते हैं, मगर इधर हम ऑनियन, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता का जो कॉम्बिनेशन है ज़बरदस्त लगता खाने के लिए। आप इधर देखिए पूरा वेजिटेबल्स इसमें डाल चुका, धनिया पत्ता भी भर के डालना है आपको और 1 टेबल स्पून चिली पाउडर इसमें आपको ऐड करना है और अच्छा तरीका से इसको दो हाथ में आपको मिक्स करना है। और इसमें हम जो यूज़ कर रहा हूँ सॉल्ट है, ये है आपका ब्लैक सॉल्ट। और इसमें आपका यूज़ करूँगा चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। अब इसको आपको दो हाथ से देखिए इस तरह से आपको मिक्स करना है, क्योंकि अच्छा तरीका से आप मिक्स करेंगे ना गर्मा गर्म, तब क्या होगा, खाने के लिए गर्म भी रहेगा और कड़क रहेगा, एकदम ज़बरदस्त रेसिपी है। एक बार ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिए, इस तरह से पूरा मिक्स कर लेना है। और ऊपर से इसमें क्या करना है, आपको नींबू डालना है। आपको थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा पसंद हो, चटपटा का खाने का दिल करा, थोड़ा नींबू आप बढ़ा दीजिए। इधर हम देखिए एक जो नींबू है इसमें पूरा इसमें निचोड़ देंगे और इसको अच्छा तरीका से मिक्स कर लेंगे। ज़रूर घर में रेसिपी ट्राई कीजिए। रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार और नए नए रेसिपी के साथ में।
ये देख सक रहे कितना बढ़िया बना हुआ, एकदम क्रिस्पी, खाने के लिए एकदम मुच क्रिस्पी करेगा। ज़रूर एक रेसिपी घर में ट्राई कीजिए, फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ में। ज़रूर एक कमेंट, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए।